मॉनसून आने के बाद से पर्यटकों को ताजमहल का दीदार रास आ रहा है। प्रतिदिन लगभग 15,000 पर्यटक ताजमहल घूमने आ रहे हैं। वीकेंड पर यह संख्या और बढ़ रही है। पर्यटकों की आमद से पर्यटन व्यवसायी काफी उत्साहित है। ताजमहल आने पर बारिश होते ही पर्यटकों का उत्साह दुगना हो रहा है। बारिश होते ही पर्यटक मस्ती करना शुरू कर देते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज आपको ताजमहल के साथ पर्यटकों के एंजॉय की कुछ तस्वीरें दिखा रहा है। बारिश का मौसम पर्यटन व्यवसाय के लिए ऑफ सीजन माना जाता है। सर्दियों में सबसे ज्यादा और गर्मियों में पर्यटकों की आमद कम होती है। कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लाखों लोग काफी नुकसान में आ गए थे। अब ताजमहल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। स्थानीय दुकानदार जिया के अनुसार बारिश होने पर आराम से यहां 100 से ज्यादा छतरियां बिक जाती हैं। मौसम अच्छा हो तो पर्यटक का मूड भी अच्छा रहता है। बारिश के दौरान पर्यटक ताजमहल पर काफी आनंद उठा रहे हैं। बारिश में डांस करते और अलग अलग पोज में फोटो और वीडियो बनाने का क्रेज भी काफी देखा जा रहा है। पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल के अनुसार वर्तमान में रोजाना 14,000 से 15,000 पर्यटक आ रहे हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट लगभग बराबर की संख्या में खरीदे जा रहे हैं। पर्यटकों को सभी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।